दोस्तों अगर आप भी ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या ने मचाया ऐसा तूफान जिसकी आंधी में उड़ गया न्यूजीलैंड का हर गेंदबाज। जी हां दोस्तों, आज बारिश के कारण मुकाबले को टालने के लिए उतरा न्यूजीलैंड अंत में बारिश बंद होने के बाद मुकाबले को खेलने के लिए राजी हो गया, जहां पर भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने अपने ऑलराउंड प्रदर्शन तो वहीं ऋषभ पंत ने अपनी सांस रोक देने वाली बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया जिसको देखकर यह कह पाना मुश्किल हो गया कि इस मुकाबले को कौन सी टीम जीत पाएगी। तो वहीं अंतिम ओवर में रोमांच की सारी हदें पार करते हुए ऋषभ पंत ने 20 रन बटोरकर भारत को जीत दिलाई। आखिरकार कैसे अंतिम ओवर में भारतीय टीम ऋषभ पंत की मदद से मुकाबले में जीत हासिल कर पाई ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाइलाइट्स का एक गेंद का वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? इस बात का जवाब नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों हार्दिक पांड्या की सेना का सामना केन विलियमसन के धुरंधरों से वेलिंगटन शहर में हुआ। इस मुकाबले में बारिश ने मुकाबले में खलल डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन बारिश के अंत में रुक जाने के बाद 10-10 ओवर का मैच खेला गया। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो काफी हद तक लगभग सही भी साबित हुआ क्योंकि इस मुकाबले में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 95 रन पर रोक दिया और अंत में जीत हासिल की। जी हाँ दोस्तों, इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए एलन और कॉनवे जैसे ही मैदान पर आए तो दोनों रनों की बारिश करने के इरादे से दिखाई दे रहे थे, जहां पर पहले ही ओवर में गेंदबाजी करने भुवनेश्वर कुमार को 4 चौके जड़ दिए। इनकी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर हार्दिक पांड्या भी काफी ज्यादा सदमे में दिखाई दिए और हार्दिक पांड्या सोचने के लिए मजबूर हो गए कि एलन की मार से हमारे गेंदबाजों को कैसे बचाया जाए। हालांकि 3 ओवर के अंदर 45 रन बन चुके थे, अभी भी विकेट नहीं मिला था, लेकिन खुद कप्तान हार्दिक पांड्या अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और उन्होंने आते ही एलन को सबसे पहले 32 रन के स्कोर पर पवेलियन का रास्ता LBW आउट करते हुए दिखा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान केन विलियमसन मैदान पर आए थे। हालांकि केन विलियमसन भी ज्यादा देर तक बल्लेबाजी करते हुए दिखाई नहीं दिए, लेकिन उन्होंने आज वो रूप अपनाया जिसकी सभी को उम्मीद नहीं थी क्योंकि केन विलियमसन शुरुआत में समय लेते हैं, लेकिन यहाँ पर 11-10 ओवर का मैच होने के कारण उन्होंने बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं किया और 4 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बटोर लिए। और युजवेंद्र चहल की गेंद पर 6वें ओवर में पवेलियन को लौट गए तो दूसरी तरफ कॉनवे आगे जाकर ताबड़तोड़ प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, लेकिन एक बार फिर हार्दिक पांड्या का शिकार कॉनवे 8वें ओवर में बन गए और मात्र 28 रन बनाकर पवेलियन को लौट गए। और इसी के साथ 10 ओवर के अंदर न्यूजीलैंड टीम ने 95 रन 3 विकेट के नुकसान पर बना दिए, लेकिन 96 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए जैसे ही भारतीय टीम मैदान पर उतरी तो भारतीय टीम की तरफ से खौफनाक बल्लेबाजी करने के इरादे से संजू सैमसन और ईशान किशन आए। हालांकि कप्तान केन विलियमसन ने पहले ही ओवर में खतरनाक रणनीति के अनुसार गेंदबाज को चेंज कर दिया। दरअसल हमेशा की तरह इस बार गेंदबाजी करने के लिए टीम सऊदी बिल्कुल भी नहीं आए, उनकी जगह पर गेंदबाजी करने के लिए लॉकी फर्ग्यूसन को बुला लिया गया, जहां पर लॉकी फर्ग्यूसन के सामने भारतीय टीम के 2 सोनस दोनों सलामी बल्लेबाज ऐसे आउट हुए जैसा माले का धागा टूट गया हो। जी हाँ दोस्तों, पहले ओवर की पहली गेंद पर गोल्डन डक के रूप में ईशान किशन LBW आउट हो गए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए श्रेयस अय्यर आए तो वहीं दूसरी तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन ने चौका तो लगाया, लेकिन उस चौके को सिर्फ खाता खोलने के लिए रखा गया था। हालांकि इसी ओवर की अंतिम गेंद पर लॉकी फर्ग्यूसन ने संजू सैमसन को 4 गेंदों पर 4 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया और भारत को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए सूर्य कुमार यादव आए और यहां पर तो फील्ड की बनावट में काफी ज्यादा बदलाव आ गया, जहां पर सूर्या की दहशत सभी के अंदर देखने को मिल रही थी क्योंकि वर्ल्ड कप में उनका खतरनाक प्रदर्शन आज भी सभी की आंखों में दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच गेंदबाजी में ऐसा बदलाव हुआ जिसकी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। अचानक से दूसरा ओवर कराने के लिए गेंदबाज सैंटनर को बुलाया गया, जहां पर उन्होंने एक ही ओवर के अंदर 2 बड़े झटके ले लिए, जहां पर सूर्य कुमार यादव मात्र 2 रन बनाकर पवेलियन को LBW होकर आउट चले गए, तो वहीं श्रेयस अय्यर भी 8 रन के स्कोर पर क्लीन बोल्ड हो गए। लेकिन अब भारतीय टीम की पारी को संभालने की पूरी जिम्मेदारी कप्तान और उपकप्तान की जोड़ी ने संभाली। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जिसके सामने बड़े से बड़ा दिग्गज खिलाड़ी भी कमजोर नजर आ रहा था। दरअसल दोनों बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे जैसे सामने अनुभवी गेंदबाज ना होकर गली क्रिकेट के गेंदबाज हों।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंत तक पारी को संभाले कर रखा और वहीं दो ओवर में जब जीत के लिए 34 रन की आवश्यकता पड़ी तो हार्दिक पांड्या ने एक छक्का और दो चौके के साथ 14 रन बटोर लिए। लेकिन अंतिम गेंद पर हार्दिक पांड्या 35 रन बनाने के बाद लॉकी फर्ग्यूसन की गेंद पर विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए और मुकाबले में रोमांच आ गया। लेकिन अब मुकाबले में करो या मरो वाला पल सामने था जहां पर गेंदबाजी करने के लिए टीम सऊदी आए और सामने ऋषभ पंत मौजूद थे जहां पर जीत के लिए 20 रन की आवश्यकता पड़ी थी और सामने की तरफ ऋषभ पंत ने काफी ज्यादा खतरनाक प्रदर्शन करते हुए पहली गेंद पर चौका लगा दिया। इसके बाद गेंदबाज कोशिश करने लगा कि ऋषभ पंत का विकेट कैसे भी करके जीत लिया जाए, लेकिन गेंदबाज एक बार फिर से नाकामयाब साबित हुआ जहां पर दूसरी गेंद पर ऋषभ पंत ने आगे बढ़कर एक साथ एक हाथ से चौका लगा दिया। जिस प्रकार से लगातार दो गेंदों पर दो चौके देखने को मिले उसे देख तो लगने लगा था कि इस मुकाबले में भारतीय टीम आराम से जीत दर्ज कर लेगी। लेकिन विरोधी टीम के कप्तान केन विलियमसन अलग रणनीति के साथ इस मैदान पर खेलने के लिए उतरे थे जहां उन्होंने पूरी कोशिश की और बल्लेबाजों को आउट किया, लेकिन ऋषभ पंत हार मारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक बार फिर से चौका लगा दिया, लेकिन इस बार ना तो उन्होंने सामने की तरफ चौका लगाया और ना ही एक हाथ से चौका लगाया, बल्कि इस बार उन्होंने पीछे की तरफ मुड़कर पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में रोहित शर्मा की याद दिला दी। परंतु अब गेंदबाज और कप्तान दोनों सोच में पड़ गए जहां दोनों खिलाड़ी इस बात को सोचने लगे कि ऋषभ पंत को किसी भी तरीके से कैसे आउट किया जाए। लेकिन यहां पर ऋषभ पंत अपने लंबे अरसे से चल रहे खराब फॉर्म को बेहतर बनाने के मकसद से खेलने आए थे, लेकिन अभी भी 3 गेंदों पर 8 रन की आवश्यकता थी। ऐसे में केन विलियमसन ने एक और बार मास्टर प्लान बनाते हुए ऋषभ पंत को आउट करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज अलग ही अंदाज से ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन अगली गेंद पर चौका जड़ दिया और ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया, लेकिन अभी भी अंतिम गेंद पर चौके की आवश्यकता थी और यह गेंद सऊदी ने पैरों पर डाली, जिसका फायदा उठाकर फुल टॉस बनाते हुए ऋषभ पंत ने सामने की तरफ छक्का जड़ दिया और अपना अर्धशतक पूरा किया और 50 रन की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाकर सीरीज में बढ़त बनाई। आपको बता दें ऋषभ पंत ने इस मुकाबले के अंदर 23 गेंदों पर 50 रन की पारी खेली। इस बीच उन्होंने 5 चौके और 2 छक्के लगाए। इस बीच उनका स्ट्राइक रेट 220 का रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, भारतीय टीम सीरीज जीत पाएगी या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक ऐसा कौन से रूप देने वाला मैच खेला गया जिसमें अंत तक यह कह पाना मुश्किल था कि कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, लेकिन आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से छक्का लगाकर भारत को जीत दिलाई, शायद ही आपने इससे पहले ऐसा मैच कभी देखा होगा। ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने किस तरीके से भारत को जीत दिलाई उसका पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच रद्द हो गया, लेकिन हार्दिक पांड्या एक कप्तान के तौर पर किसी भी हाल में न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतना चाहते थे। दूसरा मैच भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ। इस मैच में बारिश का नामो निशान नहीं था। हालांकि हार्दिक ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने आए फिन एलन और उन्होंने आते ही चार्ज लेना शुरू किया। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए इस बल्लेबाज ने धमाकेदार अर्धशतक लगाया। न्यूजीलैंड के कप्तान अर्धशतकीय पारी खेलकर जिसके बदौलत न्यूजीलैंड ने 16 ओवर तक 140 रन बना लिए थे। अंतिम ओवरों में जेम्स निशन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को 200 रनों तक पहुंचा दिया। तो दोस्तों 200 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरत ही ताबड़तोड़ शुरुआत की। भारत की तरफ से ओपनिंग करने उतरे थे ऋषभ पंत और शुभमन गिल। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत को ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। पहले 6 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 70 रन के पार चला गया। शुभमन गिल 19 गेंदों में 40 रन ठोक डाले थे। वहीं ऋषभ पंत ने भी ताबड़तोड़ 28 रन बनाए, लेकिन टीम सऊदी ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर मुकाबला पलट दिया। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सऊदी ने पहले शुभमन गिल और उसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए दीपक हुड्डा को क्लीन बोल्ड करके भारतीय टीम को तगड़ा झटका दिया। अब मैदान पर 2 बल्लेबाजों से ऋषभ पंत और सूर्य कुमार यादव। दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को जमकर धज्जियां उड़ाई। ऋषभ पंत ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए उन्होंने ताबड़तोड़ 62 रन ठोक डाले, लेकिन तभी मिचेल सैंटनर की गेंद पर एक और छक्का लगाने के चक्कर में वो कैच आउट हो गए। अब मैदान पर सूर्य और हार्दिक पांड्या की जोड़ी थी, लेकिन अभी भी जीत काफी दूर थी। भारत को आखिरी 5 ओवरों में जीत के लिए 70 रनों की दरकार थी। प्लीज पर 2 धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। इन दोनों ने ही चार्ज लेना शुरू किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ानी शुरू की। 17 ओवर तक भारत का स्कोर 160 के पार पहुंच चुका था। आखिरी 3 ओवरों में जीत के लिए 40 रनों की दरकार थी। 18वां ओवर डालने आए लॉकी फर्ग्यूसन ने अपनी 6 गेंदों पर केवल 7 रन ही दिए। अब 2 ओवरों में भारत को जीत के लिए 33 रनों की दरकार थी। अर्धशतक लगाकर बल्लेबाजी कर रहे सूर्य
रविंद्र कुमार यादव छक्का लगाने के प्रयास में कैच आउट हो गए। जी हां, 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सऊदी ने सूर्य को पवेलियन की राह दिखा दी। ये भारत के लिए बड़ा तगड़ा झटका था। अब आखिरी 11 गेंदों में जीत के लिए दरकार थी 33 रनों की। संजू सैमसन और हार्दिक पांड्या दोनों ही भारत को जीत दिलाने के लिए पूरी कोशिश करते हुए नजर आए। संजू ने आते ही स्ट्राइक दी कैप्टन हार्दिक को। अब 10 गेंदों में 32 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने सऊदी की तीसरी गेंद पर शानदार कवर ड्राइव लगाया, लेकिन बाउंड्री पर खड़े केन विलियमसन ने ड्राइव लगाते हुए चौके को बचा लिया। हालांकि फिर भी इस गेंद पर 2 रन बन चुके थे। अब 8 गेंदों में 30 रनों की दरकार थी। सऊदी की चौथी गेंद पर हार्दिक ने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार छक्का लगाया, जिसे देखकर हेड कोच वीवीएस लक्ष्मण भी हैरान रह गए। वो हार्दिक के शॉट पर तालियां बजाते हुए नजर आए। दोस्तों, अचानक से ही एक छक्का लगने के बाद मुकाबला पलट चुका था। अब 7 गेंदों में भारत को जीत के लिए 24 रनों की दरकार थी। आखिरी गेंद पर केवल 2 रन ही बन पाए। अब 6 गेंदों में 22 रन स्ट्राइक पर थे। संजू सैमसन गेंदबाजी करने आए थे। न्यूजीलैंड के सबसे धाकड़ तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन और फर्ग्यूसन की पहली पर संजू ने चौका लगा दिया। अब 5 गेंदों में 18 रन की दरकार थी, लेकिन अगली गेंद पर शानदार वापसी करते हुए फर्ग्यूसन ने संजू को केवल 1 रन ही बनाने दिया। अब इस पर आ चुके थे कैप्टन हार्दिक पांड्या, लेकिन 4 गेंदों में 17 रनों की दरकार थी। जीत बेहद दूर नजर आई थी, लेकिन जब तक हार्दिक क्रीज पर हो कोई भी दूर दूर तक नहीं होता। और इस बात को साबित करते हुए पांड्या ने फर्ग्यूसन को तीसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाया। पूरा स्टेडियम झूम उठा। दोस्तों, स्टेडियम में हर जगह हार्दिक गूंजने लगा। 3 गेंदों पर 11 रनों की दरकार थी। हार्दिक ने फर्ग्यूसन को चौथी गेंद पर भी चौका लगा दिया। आखिरी 2 गेंद पर चाहिए थे 5 रन। और दोस्तों, इस गेंद पर जो हुआ उसने सबकी सांसें तक रोक दी। दरअसल हार्दिक पांड्या ने हवा में शॉट लगाया, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ गई। ऐसा लग रहा था कि गेम आसानी से पहुंच की पार कर जाएगी, लेकिन बाउंड्री पर उन्होंने दोनों हाथों से कैच पकड़ भी लिया। सबको लगा हार्दिक पांड्या आउट हो गए, लेकिन जब जेम्स निशम जमीन पर गिरे तब वो बाउंड्री पर थे और दोस्तों भारत मुकाबला जीत गया। आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच कुछ ऐसा ही खेला जा सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, हार्दिक पांड्या भारत के अगले फुल टाइम कैप्टन हो सकते हैं या नहीं? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।